नेता शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, साधु मुनियों की वाणी में होता है ईश्वर का रूप, इनके आशीर्वाद से भारत ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की। सीएम ने उभरते राजस्थान निवेशक शिखर सम्मेलन के संबंध में ये समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को निवेश के अनुरूप नई पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए। कहा, विभागीय प्री समिट आयोजन से राइजिंग राजस्थान को मिलेगी मजबूती। जयपुर के विद्याधर नगर में पहले फीफा से मंजूर हुए फुटबॉल स्टेडियम का उद्घाटन डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कार्यक्रम में शिरकत की। दिया कुमारी ने कहा, यह हम सभी के लिए गर्व का पल है, हम इस स्टेडियम को व्यापक स्तर पर विकसित करेंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल और बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, प्रदेश में कोई मंत्री इस्तीफा दे रहा है, कोई इस्तीफा देने की धमकी दे रहा, मुख्यमंत्री जी दिल्ली अप डाउन कर रहे हैं, सरकार को 9 महीने हो गए लेकिन ऐसा लगता है कि प्रदेश में सरकार नहीं सर्कस चल रहा। राजस्थान प्रवास पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 12 के एक कार्यक्रम में शिरकत की। स्वयं सेवक एकत्रीकरण को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने कहा, हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए भेद और विवाद मिटाकर संगठित होना होगा। राजस्थान में एसआई 2021 भर्ती परीक्षा मामले में एसओजी की बड़ी कार्रवाई। आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे आईएएस सगे भाई बहनों को गिरफ्तार किया। दिनेश बिश्नोई और प्रियंका बिश्नोई को परीक्षा से पहले ही मिल रहा था पेपर, पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूला। जयपुर की मोहाना मंडी में अतिक्रमण को लेकर दो गुटों के बीच झड़प। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए, मारपीट में कई लोग हुए घायल। व्यापारियों ने सामूहिक विशेष समुदाय विशेष के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया। सीकर की खंडेला में फिरौती की मांग को लेकर होटल में फायरिंग। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग करने के बाद पर्ची फेंक कर घटनास्थल से फरार हुए बदमाश। फायरिंग की सूचना के बाद इलाके में सनसनी। बीकानेर के खाजूवाला में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। छतरगढ़ पुलिस ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर से हीरोइन के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। 4 पंजाब के और 2 हनुमानगढ़ी के निवासी। तस्करों से पूछताछ जारी।